प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर सुनील यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास दसवीं गणित चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लीजिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण क्या होता है? मान लीजिए आप जमीन के लेवल के ऊपर इस बिंदु पर बैठे या खड़े हैं। ये है पी और ये है क्यू। ये कोई मीनार है या कोई टावर है। आप इस बिंदु से, बिंदु क्यू से इस चोटी की तरफ, चोटी है आर, देख रहे हैं। ये हमने कोई मीनार मान ली। बिंदु क्यू के ऊपर हम लोग खड़े हैं। ये जो लाइन है ये होगी हमारी दृष्टि रेखा आर क्यू। ये है क्षितिज सतर। हमारी दृष्टि रेखा और क्षितिज सतर के बीच का जो कोण है ये थीटा, ये कहलाएगा उन्नयन कोण। कहने का मतलब ये है कि जब दृष्टि रेखा क्षितिज सतर से ऊपर हो तो उन्नयन कोण बनेगा। तो थीटा हमारा हो जाएगा उन्नयन कोण। दूसरे केस में मान लीजिए आप किसी ऊंचाई पर खड़े हैं। माना हम बिंदु आर पर हैं, यहाँ पर खड़े हैं और ये जमीन स्तर है या स्थिति सतर है। आप बिंदु आर से जमीन पर किसी बिंदु क्यू की तरफ देख रहे हैं। ये आपका हो जाएगा क्षितिज सतर। आप बिंदु आर से बिंदु क्यू की तरफ देख रहे हैं। ये आपका आर क्यू हो जाएगा दृष्टि सतर। अतः स्थिति सतर और दृष्टि सतर के बीच का ये जो कोण है थीटा, ये आपका कहलाएगा अवलमन कोण। यदि स्थिति सतर दृष्टि सतर से ऊपर है तो वहाँ पर बनेगा अवलमन कोण। तो ये अवलमन कोण पहले केस में थीटा उन्नयन कोण हो जाएगा। आइए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 पहला सवाल। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.11।
ये बिंदु ए है, ये बी है, ये बिंदु सी है, यहाँ पर ये कोण 30 डिग्री, ये 20 मीटर। डोरी की लंबाई है ए सी 20 मीटर, ए भी हमारा खंभा है और कोण है 30 डिग्री का उन्नयन कोण। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हमारा h हो जाएगा। ए बी बराबर h, ए सी बराबर 20 मीटर। हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में एच हमारा हो जाएगा लंब, ए सी हो जाएगा कर्ण। हमें ए सी दिया हुआ है और एच निकालना है। हमारा जो साइन थीटा है वो होता है लंब बटे कर्ण। जो सूत्र हम करते हैं वो होता है एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। यहाँ से मान रखने पर साइन थीटा 30 डिग्री बराबर होगा लंब एच बटे कर्ण 20। इसको आगे हल करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2 बराबर एच बटे 20। यहाँ से हमारे पास आर पार गुणा करने पर 2h बराबर आएगा 20 और h बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद है सवाल नंबर 2। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जमीन का लेवल है, एक पेड़ था
इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। ये टूट करके इस तरह से ज़मीन के ऊपर टिक जाता है। बिंदु ए, बी, सी और इसे हम मानेंगे बिंदु डी। ये जो भाग सी डी है पेड़ का, ये टूट करके इधर गिर गया है, जो अब सी बी कहलाएगा। ये पेड़ था हमारा ए डी, ये टूट करके यहाँ से टूटता है सी बिंदु से, और इसका ये जो सी डी भाग है ये टूट करके यहाँ ज़मीन को छुएगा, जो अब सी बी है। दिया हमें कि ज़मीन के साथ 30 का कोण बनाता है, तो ये जो कोण है ये है 30 डिग्री। पेड़ का जो पाद बिंदु है ए, उसकी दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है यानी बी से, ए से बी की दूरी है वो 8 मीटर है। हमें पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। मान लेते हैं, माना ए सी बराबर एक्स मीटर, बी सी बराबर वाई मीटर। पेड़ की ऊंचाई बराबर होगी x जमा y मीटर। त्रिभुज a c b में हमें इसके अंदर a भी दिया हुआ है, पहले a से निकालेंगे, ये x और ये y। त्रिभुज ए सी बी में हमें दिया हुआ है आधार और हमें निकालना है लंब, लंब बटे आधार। टेंजेंट थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेंजेंट थीटा का मान है 30 डिग्री, ये बराबर होगा लंब, लंब हमारा है x बटे आधार 8। ये वैल्यू हम इसके अंदर रख देते हैं। अब हम निकालेंगे टेंजेंट 30 की वैल्यू। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/√3 बराबर x बटे 8। यहाँ से हम आर पर गुणा करेंगे, आर पर गुणा करने के बाद यह आएगा वर्गमूल 3x बराबर 8। यहाँ से हमारे पास x बराबर हो जाएगा 8/√3। इसको हम प्रमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा, ये होगा 8/√3/3। ये x का मान हो जाएगा इतना। इसके बाद हम निकालेंगे y का मान। दोबारा से त्रिभुज ए सी बी में y का मान निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। आधार और कर्ण को ले सकते हैं या लंब और आधार को। तो हम लेंगे y
बटे, या ऐसा करते हैं हम कोस थीटा की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमारा आधार है यहाँ पर 8 बटे कर्ण, कर्ण हमारा है वाई, 8 बटे वाई ये हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कोस की वैल्यू रखेंगे, कोस 30 डिग्री बराबर है 8 बटे वाई। कोस 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर 8 बटे वाई। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, आर पर गुणा करने पर वर्गमूल 3y बराबर 16, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 16 बटे वर्गमूल 3। इसका भी हम प्रीमेकरण करेंगे, वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 ये हो जाएगा हमारा। सोलह वर्गमूल 3 बटे 3 वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर होगी एक्स जमा वाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 8 वर्गमूल 3 बटे 3 जमा वाई का मान हमारे पास है, वाई की जो वैल्यू है वो वर्गमूल 3 बटे 3, और ये हो जाएगा यहाँ से 3 हम लेंगे लघुत्तम, 8 वर्गमूल 3 जमा 16 वर्गमूल 3 ये बराबर होगा 24 वर्गमूल 3 बटे 3, और ये हो जाएगा 8 वर्गमूल 3 मीटर। इसको हम काट देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यहाँ पर हम पहला केस लेते हैं, ये एक लाइन खींचते हैं हम ज़मीन पर, ये फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, सॉरी ये फिसलन पट्टी है ये वाली जिसकी ज़मीन से ऊंचाई है 1.5 मीटर, और ये कोण है 30 डिग्री का। इसको हमने मान लिया ए, ये बिंदु पी और ये सी। दूसरे केस में ये हमने एक लाइन खींची दूसरी फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हमने मान लिया पी क्यू आर,
हमें इसमें दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई बतानी है। तो पहले केस में एसी की लंबाई निकालनी है, दूसरे केस में हमें पी आर की लंबाई बतानी है। हम पहले लेते हैं केस वन, ये हमारा है केस वन, ये है केस टू। केस वन में त्रिभुज ए बी सी में हमें ए सी की लंबाई बतानी है और ए बी हमें दिया हुआ है। ए बी हमारा है लंब और ए सी हमारा है कर्ण। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल ए एल के ए। इसमें हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है, लंब और कर्ण यानी साइन। तो साइन लगाएंगे ए बी सी में, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 1.5 और कर्ण इसमें है भुजा ए सी। साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 बराबर 1.5 बटे ए सी। आर पार गुणा करने पर यहाँ से हमारे पास ए सी बराबर हो जाएगा 1.5 × 2, ये हो जाएगा आपका 3 मीटर। तो पहली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आएगी 3 मीटर। अब हम करते हैं दूसरा केस। केस नंबर दो, त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो वही लगाएंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन 60 बराबर लंब है इसमें हमारे पास 3 बटे कर्ण है हमारे पास पी आर, जो भुजा है पी आर जो हमें निकाल ली। साइन 60 का मान हो जाएगा वर्गमूल 3/2 बराबर 3/PR। यहाँ से हम आर पार गुणा करेंगे, वर्गमूल 3PR बराबर 6 और यहाँ से आपके पास PR बराबर आ जाएगा 6/√3। नीचे वर्गमूल है तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा, ये हो जाएगा 6√3/3 और ये आपका कट के आ जाएगा PR बराबर 2√3 मीटर। अतः पहली फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर होगी 3 मीटर, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर होगी 2√3 मीटर। तो ये आपका तीसरा सवाल भी पूरा होता है। इसके बाद है सवाल नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है,
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगला सवाल, भूमि के एक बिंदु से, जी हम जाए लाइन खींचेंगे नीचे, मीनार, यहाँ पर एक ही मीनार है, इसका पाद बिंदु है ये, इसको हम मान लेंगे पी। एक भूमि है, भूमि का ये बिंदु ले लिया हमने यहाँ पर, क्यों भूमि के एक बिंदु से, भूमि का बिंदु है क्यों, उससे मीनार का पाद बिंदु पी से 30 मीटर की दूरी पर है। इस मीनार के पाद बिंदु से ये 30 मीटर की दूरी पर है, ये जो दूरी है ये 30 मीटर है पी से क्यों की। मीनार के शिखर का इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का, ये शिखर है इसको हमने मान लिया आर। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। त्रिभुज को समझिए, ये एक त्रिभुज बनाई हमने, ये ज़मीन पर एक बिंदु क्या है जिसकी मीनार के पाद बिंदु P से दूरी 30 मीटर है, P क्या 30 मीटर हमें दिया है कि P क्या बराबर है 30 मीटर। H हमने इसकी ऊंचाई मान ली और H का मान हमें निकालना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि लंब हमें निकालना है, आधार हमें दिया है, लंब और आधार यानी टेंजेंट लगाएंगे। टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। मान रखेंगे टेंजेंट थीटा 30 डिग्री बराबर लंब है आर पी या एच बटे आधार, आधार है पी क्यू या 30। आर पार गुणा करने पर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट 30 का मान रखेंगे 1/√3 बराबर h बटे 30। आर पार गुणा करने पर √3 h बराबर 30। आर पार गुणा की है, यहाँ से h का मान आएगा 30/√3। नीचे वर्गमूल है तो इसको हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 से, ये हो जाएगा हमारा 30√3/3, ये कट जाएगा, अतः h बराबर आएगा 10√3। h हमारा था मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये आपका सवाल पूरा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी जो भूमि के साथ डोरी का जो कोण है वो है 60 डिग्री,
उन्नयन कोण। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। लीजिए इसको करते हैं। ये हमने एक लाइन खींची धरती के ऊपर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये ऊंचाई ली हमने। ये हमने मान लिया 60 मीटर। एक पतंग है, ये पतंग यहाँ पर है। इस डोरी को यहाँ पर एक बिंदु से बांध दिया। इसको हमने मान लिया बिंदु P, ये बिंदु Q और ये R। QR है जो पतंग की डोरी की लंबाई है, जिसका एक सिरा बिंदु Q से बंधा हुआ है और ये ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। इस डोरी का जो कोण है ज़मीन के साथ वो है 60 डिग्री, जो हमारा उन्नयन कोण है। डोरी की लंबाई हमें बतानी है। यहाँ पर हमें दिया है आर पी बराबर 60 और कोण 60 डिग्री, डोरी की लंबाई बतानी है। हम मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, इसको हमने x मान लिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक x हमें निकालना है। ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा है लंब और ये है कर्ण। लंब हमें दे रखा है, कर्ण हमें निकालना है। लंब बटे कर्ण साइन लगाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ये लिख देंगे हम। इसलिए साइन 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा 60 बटे कर्ण, कर्ण है हमारा x। यहाँ से साइन 60 का जो मान होगा वो होगा वर्गमूल 3/2 बराबर 60 बटे x। यहाँ से हम r पर गुणा करेंगे, आर पर गुणा करने पर यह हो जाएगा वर्गमूल 3x बराबर 60 गुणा 2 120। और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 120 बटे वर्गमूल 3। नीचे वर्गमूल है, इसको हटाएंगे। इसके लिए हम इसको ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, यानी हमारा जो x है वो है 120 बटे वर्गमूल 3। ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा करने पर x बराबर आएगा 120 वर्गमूल 3/3। ये हम काट देंगे, यहाँ जाएगा 40 वर्गमूल 3। अतः डोरी की लंबाई
बराबर हो जाएगी 40 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारा सवाल पूरा होता है। धन्यवाद।